तमिलनाडु में एक भक्त थे जिनका नाम था अप्पुडियाडिगल। क्योंकि वो शिव को सीधे नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने शिव के एक भक्त की पूजा करनी शुरू कर दी, तिरुनावुकर सर, जो शिव के एक बहुत बड़े भक्त थे। तो अप्पाटू अडिगल, जो एक अमीर आदमी थे, उन्होंने शिव के स्वरूप की तरह तिरुनावुकरसर की पूजा करनी शुरू कर दी। उन्होंने बहुत दान पुण्य किया, उन्होंने सब कुछ तिरुनावुकरसर के नाम पर रखा। उन्होंने गांव में एक तालाब बनाया, तिरुनावुकरसर तालाब। उन्होंने भटकी हुई गायों के लिए एक गौशाला बनवाई, तिरुनावुकरसर गौशाला। उन्होंने एक मंदिर बनवाया, तिरुनावुकरसर मंदिर। उनके चार बेटे हुए, उन्होंने उनके नाम तिरुनावुकरसर 1, तिरुनावुकरसर 2, तिरुनावुकरसर 3, तिरुनावुकरसर 4 रखे। वो एक भक्त थे। भक्त तर्क संगत नहीं होते। तो एक दिन माथे पर विभूति लगाए एक आदमी आया जो एक शिव भक्त जैसा दिखता था। उन्होंने आकर कस्बे में किसी से पूछा, इस कुंड का नाम तिरुनावुकरसर कुंड क्यों है? लोगों ने कहा, अप्पाटू अडिगल तिरुनावुकरसर के बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो हर चीज को तिरुनावुकरसर पुकारते हैं। उनके चारों बच्चे तिरुनावुकरसर हैं, उनके घर का नाम भी तिरुनावुकरसर पर है, सब कुछ तिरुनावुकरसर है। तो इस आदमी ने कहा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ, वो कहाँ रहते हैं? उन्होंने उन्हें उनका पता बताया, तो वो उनके अप्पाटू अडिगल के घर गए। घर में सुबह का खाना बन जाने के बाद अप्पाटू अडिगल सुबह सुबह बाहर गली में इंतजार करते। कोई भी आता, क्या आप मेरे घर आकर भोजन करेंगे? कोई भी जो उधर से गुजरता, क्या आप मेरे घर आकर भोजन करेंगे? इसी में उनकी खुशी थी। तो वो बाहर इंतजार कर रहे थे। वो व्यक्ति आए, वो शिव भक्त। उन्होंने सोचा कि आज तो बहुत कृपा हुई कि एक शिव भक्त गली में आए हैं। उन्होंने उनका स्वागत किया और भीतर ले गए और अपने चारों बेटों को बुलाकर उनका परिचय करवाया। तिरुनावुकरसर 1, तिरुनावुकरसर 2, तिरुनावुकरसर 3, तिरुनावुकरसर 4। उनकी पत्नी ने उनसे आशीर्वाद लिया। अब वो उनको भोजन परोसना चाहते थे। उन्होंने सबसे बड़े लड़के को बगीचे में जाकर केले का पत्ता काटकर लाने को कहा, भोजन परोसने के लिए, जैसे आप यहां आश्रम में खाते हैं। लड़का केले का पत्ता लाने बाहर गया और जब उसने कोमल पत्ते को खोला, जो अभी भी गोल मुड़ा हुआ था, अगर कोई महत्वपूर्ण अतिथि आए तो वो खुले पत्ते में खाना नहीं परोसते, वो ऐसा पत्ता चाहते हैं जो अभी भी मुड़ा हुआ हो। तो वो उस पत्ते को काटना चाहता था। जैसे ही उसने उसे काटा, उसमें से एक कोबरा सांप निकला और उसके गले पर काट लिया। वो लड़का वापस घर भागा पर बगीचे में ही गिर गया। और जब उसकी मां आई तो उसने बताया, सांप ने मुझे काट लिया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वो बेहोश हो गया। उसकी मां बिल्कुल घबरा गई। उसने अपने पति को बुलाया। अप्पाटू अडिगल ने आकर देखा और अब अगर ये बात फैल गई तो शिव भक्त उनके घर में खाना नहीं खाएंगे। सारा प्रयास, सब कुछ, सारा अतिथि सत्कार व्यर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने तुरंत एक दरी ली, लड़के को ढक दिया और उसे बगीचे में ही रख दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम अपने दुख का कोई निशान मत दिखाना, हमें पहले उनको भोजन परोसना चाहिए। उनके चले जाने के बाद हम इस मामले को जैसे संभालना है वैसे संभालेंगे। पत्नी भी मान गई। वो गए और उन्होंने सब कुछ तैयार किया और वो उनको भोजन परोसना चाहते थे। शिव भक्त चाहते थे कि पूरा परिवार उनके साथ बैठकर भोजन करे। तब उन्होंने पूछा, आपका बड़ा लड़का कहाँ है? अप्पाटू अडिगल ने कहा, नहीं, वो बाहर गया है, आइए हम भोजन करते हैं। वो बोले, नहीं, वो लड़का कहाँ है? लगता है आपको छुपा रहे हैं। अप्पाटू अडिगल ने कहा, छुपाने की कोई बात नहीं है, आइए भोजन करते हैं।
आपने इन चारों लड़कों का नाम तिरुनावुकरसर क्यों रखा है? उन्होंने पूछ लिया। अब अपटु अडिगल को गुस्सा आ गया। ऐसा सवाल पूछने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आपको पता है तिरुनावुकरसर कौन है? वो शिव का स्वरूप है, आप इस तरह बात नहीं कर सकते। तब उस आदमी ने कहा, मैं ही तिरुनावुकरसर हूं। वो उनके चरणों में गिर गए। तब तिरुनावुकरसर ने पूछा, आपके बेटे को क्या हुआ? तब अडिगल ने कहा, उसे सांप ने काट लिया था, पर मैं अतिथि सत्कार में कोई बाधा नहीं चाहता था। हम चाहते थे कि आप अच्छे से खाकर जाएं। ये चीज अडिगल के ये जानने से पहले हुई कि वो कोई राह चलते भक्त न होकर तिरुनावुकरसर ही हैं। तब तिरुनावुकरसर ने कहा, आप ऐसा ना करें, उस लड़के को यहां लाइए। एक खास सिद्धि का प्रयोग करके उन्होंने लड़के को जहर से मुक्त किया और उसे फिर जीवित कर दिया। उनको आशीर्वाद दिया और चले गए। ये अलग तरह के लोग हैं, ये बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं। इनका इस दुनिया से वास्ता नहीं है, उनका बस एक पांव इस दुनिया में है। उनके तरीके और उनके जीने के तरीके, जिस ताकत के साथ वो जिए, वो पूरी तरह दूसरी दुनिया के हैं।